तो आज हम जिस विषय का विश्लेषण करेंगे वो विषय है मध्य प्रदेश की हवा जहरीली। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिवाली के बाद एमपी के कई शहरों की हवा में बदलाव हुआ है और यहाँ तक कि 11 के बाद से राजधानी समेत कई शहरों में प्रदूषण दोगुना हो गया है और दुगनी रफ्तार से यहाँ पर जो प्रदूषण है वो बढ़ा है। प्रदूषण के कारण आमजन को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। AQI बढ़ने से बच्चों, बुजुर्ग और बीमारों की सेहत पर खासा असर भी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के बड़े शहर जिसमें सबसे पहला नाम आता है इंदौर का, दूसरे नंबर पर भोपाल और तीसरे नंबर पर ग्वालियर, इन तीनों शहरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। वही बात अगर हम सबसे पहले भोपाल की करें तो राजधानी की हवा की गुणवत्ता में बदलाव देखने को मिला है। 11 पर दिवाली से दुगना प्रदूषण बढ़ा है। टीटी नगर में AQI 313 तो वहीं कलेक्टर कार्यालय में 325 जो है इसका लेवल पहुंच गया है। वहीं शहर की सबसे पॉश कॉलोनी अरेरा कॉलोनी में AQI 400 के करीब पहुंच गया है। यहां AQI 393 दर्ज किया गया है जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। दिवाली के दिन यहां AQI 306 दर्ज किया गया था। वही अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर शहर में AQI 300 के पार पहुंच चुका है और यहां पर जो महाराजवाड़ा है वहां पर AQI 306, डीडी नगर में AQI 312 रहा। इसी के साथ ही इंदौर शहर में AQI 300 के पार पहुंचा है। एयरपोर्ट इलाके में 304 और रीगल पर जो है वो 300 के पार भी यहां पर जो AQI है वो रहा है। तो लगातार जो वायु की गुणवत्ता है उसमें गिरावट देखी जा रही है और यहां पर जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। 11 का जो प्रदूषण का जो लेवल था वो दिवाली से ज़्यादा था और जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। तीन बड़े शहर जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा रहा है, गुणवत्ता वायु की गुणवत्ता में काफ़ी कमी आई है। AQI एक नंबर होता है जिससे वायु की गुणवत्ता का पता चलता है। इसकी मदद से भविष्य में होने वाले प्रदूषण के स्तर का भी पता चलता है। हर देश में यहाँ पर प्रदूषण कारकों के आधार पर अलग अलग AQI होता है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने इसे लॉन्च किया था। AQI को एक संख्या, एक रंग, एक विवरण के आधार पर लॉन्च किया गया था। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ तीन सहयोगी तीन शहरों से जुड़ चुके हैं। इंदौर की अगर हम बात करें तो भारत पाटिल हमारे साथ जुड़े हैं, राजधानी भोपाल से रंजन हमारे साथ जुड़े हैं, प्रहलाद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं भारत आपका रुख करूंगी क्योंकि इंदौर सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का और जिस तरीके से जो लेवल आया है, जो आंकड़ा आया है काफी चिंताजनक हो जाता है। दिवाली से ज्यादा प्रदूषण इस बार दर्ज किया गया है। देखिए वाकई ये कह सकते हैं कि क्योंकि इंदौर जो है वो व्यावसायिक राजधानी है और दूसरी ओर अगर हम देखें तो एजुकेशन आप और स्वच्छता में नंबर वन शहर इंदौर है। लेकिन बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार क्योंकि दिवाली का जो समय था उस समय 300 के करीब पहुंचा, लेकिन अब इस बार क्योंकि डोल 11 थी, लोग इंदौर में पर्व और त्यौहार तो काफ़ी धूमधाम से बनाते, लेकिन ज़्यादा आतिशबाजियों के साथ इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी फर्क देखने को मिला है। जहाँ पर प्रदूषण को लेकर के अगर बात की जाए तो तकरीबन 300 के पार जो है वो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है नापा गया है। खास तौर पर बात की जाए तो सबसे सर्वाधिक जो इलाका है वो एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है जहाँ पर एयर क्वालिटी को लेकर के अगर बात की जाए तो उसमें 305 के करीब जो है वो मात्रा यहाँ पर देखने को मिली। उसके अलावा एयरपोर्ट के अलावा बात की जाए तो रीगल पर और या फिर रीजनल पार्क की बात की जाए या फिर इसके अलावा विजयनगर इलाकों की बात की जाए तो यहाँ भी एयर क्वालिटी को लेकर के जो मात्रा है प्रदूषण की वो बड़ी है। अगर धूल के कण की अगर बात की जाए माइक्रो में तो हम देख रहे हैं कि 50 से 45 के करीब जो है माइक्रो
ग्राम के करीब जो है वो यहाँ पर कण देखने को मिले हैं, जिसको हम इस हिसाब कह सकते हैं रासायनिक और तमाम तरीके के जो कण होते हैं। लेकिन इससे निपटने के लिए जो है एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो इस पर प्रयास कर रहा है। यहाँ पर जो पेड़ पौधों से लेकर तमाम चीज़ों में जो फोगिंग मशीन एक तैयार की गई है उससे फोग किया जा रहा है ताकि धूल के जो कण हैं जो अतिरिक्त प्रदूषण कर रहे हैं उन्हें जो है सतह पर ला सके। लेकिन ठंड का मौसम होता है, कई बार हम देख रहे हैं कि अब जो है वो प्रदूषण में इस तरह मौसम वैज्ञानिकों का साफ मानना है कि बात की जाए तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी साफ कहा है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने ठंड को लेकर के जो आगामी सप्ताह में टेम्परेचर गिरने की बात की है, तो वहीं ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो वैज्ञानिक है उनका भी कहना है कि ठंड के असर के कारण कई जगहों पर जो है अलाव और कचरों को जलाया जाता है, जिसके कारण प्रदूषण में जो है बदलाव देखने को मिलते हैं और ये काफी घातक होते हैं। लेकिन ये गनीमत है कि मध्य प्रदेश का जो एकमात्र इंदौर शहर जो काफी मध्य में है और ऐसे में इंदौर को एयर क्वालिटी के लिए हमें इससे पहले हम देख रहे थे एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए हम नो कार डे भी बना रहे थे कि दिन में एक बार हम जो है व्हीकलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल भारत, तमाम कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं और तमाम कदम उठाए भी जाते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से हम बदलाव देख रहे हैं प्रदूषण का स्तर जो बढ़ा है उसके लिए कहीं ना कहीं आप और हम भी जिम्मेदार हैं। भारत बने रहिएगा, आप हमारे साथ लौटूंगी मैं आपकी तरफ, रंजन का मैं रुख करूंगी। रंजन, जहरीली हवा में सांस लेने को हम मजबूर हैं और जिस तरीके से आंकड़े आए काफी चिंताजनक है। भोपाल की अगर हम बात करें तो सबसे जो व्यस्ततम इलाका है, व्यस्ततम इलाका हो चाहे सबसे पॉश इलाका हो, यहां पर सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है का जो लेवल है वो दर्ज किया गया है। करें राजधानी भोपाल की तो यहाँ पर जो है वायु की गुणवत्ता जो है वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि दिवाली के समय अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर वायु की गुणवत्ता अगर कहीं थी तो वो राजधानी भोपाल में ही थी। लेकिन वहीं दिवाली के बाद जैसे 11 आती है और उसके बाद से वायु की गुणवत्ता जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। मैं आपको सीधे तस्वीरों के भी माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है जिसपे साफ तौर पर जो है आपको नज़र आएगा ये राजधानी के अलग अलग जगहों का जो है आंकड़ा है, जहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पर्यावरण परिसर के द्वारा जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा तमाम सारी जो गाइडलाइन होती है वो जारी की जाती है और अलग अलग जगहों से जो इंडेक्स होता है AQI होता है वो यहाँ पर बताई गई है। 303 का जो ये आंकड़ा है आप देख सकते हैं, सबसे पुअर क्वालिटी में जो हवा की गुणवत्ता है वो इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में हूँ, जहाँ पर वायु की गुणवत्ता जो है वो सबसे खराब है, लगभग 400 AQI है, काफ़ी ख़राब माना जाता है इसको। और ऐसे में जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं खास करके सांस लेने में तकलीफ जो है बुजुर्ग और बच्चों को इससे ज़्यादा होती है, तो इसको लेकर भी जो है तमाम सारे गाइडलाइन अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जारी किए गए हैं। नगर निगम के तरफ से जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए, प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है अब इस प्रदूषण को कम करने के लिए, सवाल के साथ मैं लौटूंगी रंजन आपकी तरफ। और मैं ग्वालियर का भी रुख कर लेती हूं, प्रहलाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, क्योंकि अगर हम ग्वालियर की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, जो टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा कम दर्ज किया जाता है इस पूरे इलाके में, और ऐसे में जो सामने आए हैं आंकड़े काफी चिंताजनक हो जाते हैं, क्योंकि अब ठंड बढ़ेगी जब टेम्परेचर जब कम होगा तो जो स्थिति है यहाँ पर और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में जो प्रदूषण का लेवल है वो दो इलाकों में सबसे ज्यादा हाई है, एक तो दीनदयाल नगर का इलाका जो एयरपोर्ट के नजदीक पड़ता है, दूसरा शहर का हृदय स्थल महाराजवाड़ा। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि शहर में अलग अलग जगह पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, नगर निगम के द्वारा भी किए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी के द्वारा भी किए जा रहे हैं, महाराजवाड़े पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, तो इसकी वहां पर मिट्टी और धूल के जो सूक्ष्म कण हैं वो वायु में घुले हुए हैं। इसी तरह अगर दीदी नगर में बात करें तो वहां पर आसपास कुछ खदानें नहीं हैं और वहां की सड़कों की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, तो इस तरह दूसरा कारण एक ये भी है कि एकादशी का दिन था, एकादशी का त्योहार था, आतिशबाजी होती है। इसके अलावा सर्वाधिक जो सालक जिसे कहते हैं शादी समारोह जो थे वो सबसे ज्यादा उसी दिन थे, उनमें जो आतिशबाजी हुई और लोगों ने जो आतिशबाजी की तो उससे भी जो वायु की जो गुणवत्ता है उसमें खराबी आई है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि शहर में अलग अलग जगह पर चूंकि स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है तो ऐसे में अब्बल आने की जो होड़ है उसमें अब्बल आने के लिए हो ये रहा है कि शहर में कचरा जलाया जा रहा है, ये भी आग में घी डालने का काम कर रहा है, जो
वायु की जो गुणवत्ता है उसको खराब कर रहा है। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये पेड़ है, इस पर धूल के जो कण है आप इस तरह से देख पा रहे होंगे, मेरे अंगूठे पे ये जो धूल है, मैंने इसे साफ किया तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ये जो धूल है ये बता रही है कि शहर की जो आबो हवा है उसमें जहर घुला हुआ है। एक तरफ धूल के सूक्ष्म कण जो कहते हैं पीएम 10 2.5 इस तरह का जो स्तर है, और जो हानिकारक जो आर्सेनिक गैसें आदि वो वायु में घुली हुई है। तो सीधे तौर पर ग्वालियर की जो आबो हवा है वो दिन पर प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आपने कहा कि सर्दी का मौसम आएगा तो वायु की गुणवत्ता और बिगड़ेगी, निश्चित ही ये कह सकते हैं, क्योंकि वायु में जब नमी होती है और जो धूल के जो सूक्ष्म कण हैं, जब मौसम ड्राई होता है या गर्मी वाला मौसम होता है तो इस दौरान जो धूल के सूक्ष्म कण हैं वो ऊपर तक जाते हैं, लेकिन एक नमी होने से जो जो वायु की जो गुणवत्ता है उसमें खराबी आने लगती है, जो सूक्ष्म कण है वो घुलने लगते हैं हवा में। तो यही वजह है कि ग्वालियर में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम महसूस कर रहे हैं कि आंखों में जलन, सिर का भारीपन और गले में खराश जैसी स्थिति जो है वो ये दर्शा रही है कि वायु की जो गुणवत्ता है लोगों को स्वास्थ्य पर भी असर डाल रही है, और ये जो खराब वायु वायु है लोगों का स्वास्थ्य भी खराब कर रही है। जी बिल्कुल प्रहलाद, क्योंकि अब जिस तरीके से वायु की गुणवत्ता सामने है, प्रदूषण यहाँ पर बढ़ा है, तो यहाँ पर लोगों के जो स्वास्थ्य है उसमें भी खास असर दिखाई देगा, और ये जो प्रदूषण है ये लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। बने रहिएगा प्रहलाद आप हमारे साथ, मैं भारत की तरफ लौटूंगी। भारत, क्या कुछ इंतजाम आप इस प्रदूषण को कम करने के लिए वहाँ पर किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जैसा कि कहा जाए तो इस प्रदूषण को लेकर के हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना होगा, क्योंकि खासतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह से जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स है, जो डीजल वाहन है या फिर तमाम वाहन है उसका कम से कम उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो जो प्रदूषण के लिए घर का कचरा है या ये, उसे डोर टू डोर डालें, और क्योंकि उसके लिए अलग अलग टीचिंग ग्राउंड बनाए गए हैं, लोग अक्सर जो है घर के आगों पर जो है कचरा जला लेते हैं। आतिशबाजी तो ठीक है कि एक पर्व था, उत्साह का माहौल था, लेकिन अब क्योंकि ठंड पड़ेगी तो अधिकतर लोग जो है वो कोयले का इस्तेमाल करेंगे, लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे जो है खुद को बचाने के लिए। तो ऐसे में कई तरह की चीजों पर सावधानी रखना पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो नगर निगम है, नगर निगम ने एक मशीन को जो है तैयार किया गया यहाँ पर, और तमाम जितने भी पेड़ पौधे हैं जिन पर काफी धूल के कण जमे हुए हैं उनको जो है सफाई यहाँ पर की जा रही, ताकि जो धूल है, जो वायु में फैली हुई धूल है, जो कण है वो जमीन पर जो है जा सके, और ये जो जहर वायु में घुला हुआ है और जो एयर क्वालिटी डेक्स जो हम कह सकते हैं कि जो प्रदूषण लगातार जहर खोलते हुए खराब हो रहा है उसे बेहतर सुधारने का काम जो है वो अब नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें तो ध्यान रखना ही होगा, हालांकि प्रशासन और नगर निगम इसके लिए चिंतित है, प्रदूषण बोर्ड भी इसके लिए चिंतित है, लेकिन इंदौर के जो आसपास का इंडस्ट्रियल एरिया है उन्हें भी यहाँ पर हिदायतें दी गई है कि हालांकि कोयले को लेकर के बैन कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जिन फैक्ट्रियों में जो चिमनियाँ हैं जिनकी एक नियमित एक हाइट होती है, अगर उस हाइट से अगर वो नीचे है या फिर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई यहाँ पर जो है एक बार फिर अभियान के रूप में देखा जाएगा। साथ ही जो गाड़ियाँ जो 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी प्रदूषण फैलाती, उसको लेकर के RTO विभाग और यातायात विभाग मिलकर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर करने वाला है, ताकि ऐसी गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है जिससे आम लोगों के जो सांस लेने में आबो हवा में जो जहर खोल रहा है उस पर नियंत्रण किया जा सकते, उस पर कार्रवाई की जाएगी, उन वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जितना पब्लिकली ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस एयर क्वालिटी को वापस बेहतर बना सकते हैं, प्रदूषण में वापस वायु में जो कण हैं जो प्रदूषण के उन्हें नियंत्रण में किया जा सकता। हालांकि बात की जाए तो सबसे जो इलाके जहां पर एयर क्वालिटी को लेकर के जो जांच की गई है जिसपे मात्रा जो देखने को मिली वो एयरपोर्ट रोड की और रीजनल पार्क और जो शहर का मध्य इलाका हम रीगल चौराहे कह सकते हैं वहां पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के ये पूरी जो है सर्वे किया गया था। अब अगर हम बात की जाए तो इसको लेकर बेहतर बनाने के लिए और इस सर्वे से बचने के आंकड़ों से बचने के लिए हमें जो है खुद को जागरूक होने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल प्रहलाद, सही कहा आपने कि यहाँ पर सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि हमें भी जागरूक होना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रदूषण बढ़ा है उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए तमाम जो कदम उठने चाहिए उसके लिए हमें
हमें भी प्रयास करना चाहिए। बने रहिएगा भारत तमाम, आप हमारे साथ। रंजन का मैं रुख करूंगी। रंजन, क्योंकि अब प्रदूषण का लेवल बढ़ चुका है, स्वास्थ्य भी अब लोगों का इससे खासा प्रभावित होगा, और अब ऐसे में तमाम चुनौतियां यहां पर खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि भारत ने जिक्र किया इंदौर का, क्योंकि वहां पर अब तैयारी भी प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो चुकी है, लोग भी काफी हद तक जागरूक है। लेकिन अगर हम भोपाल की बात करें तो यहां पर क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे, क्या कुछ तैयारी रहेगी, किस तरीके से प्रदूषण को कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तो राजधानी भोपाल के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो जो दिवाली के समय एयर क्वालिटी इंडेक्स थी वो काफ़ी बेहतर थी, लेकिन उसके बाद से 11 के बाद जो है लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वायु की जो गुणवत्ता है वो लगातार ख़राब होती रही है, जिसके बाद से प्रशासन जो है अपनी तैयारी कर रहा है। नगर निगम की टीम जो है अलग अलग जगहों पर जाकर के जो है पानी का छिड़काव कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो RTO के द्वारा भी जो है काम किए जा रहे, परिवहन विभाग के द्वारा भी काम किए जा रहे हैं, क्योंकि 15 साल से जो अधिक गाड़ियाँ रहती है जो कि काफ़ी धुआँ छोड़ती है, उसके कारण भी जो है वायु की गुणवत्ता खराब होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भोपाल में जिस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके कारण भी जो है हम देख रहे हैं वायु की गुणवत्ता में जो है वो खराबी देखी जा रही है। मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फ्लाई ओवर जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ से जो धूल निकल रही है वहाँ से भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जो है वो प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नगर निगम ने प्रयास किया है तो आने वाले समय में कह सकते हैं इस पे जो है सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पराली जलाई जाती है, और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की गई है कि कम से कम वाहनों का जो है उपयोग किया जाए, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों की बात करें तो कई जगहों पर 300, कई जगहों पर 400, यानी काफ़ी खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तस्वीरों के माध्यम से भी मैं दिखा रहा था कि आपको कि ये बोर्ड जो लगा हुआ है, ये नियंत्रण बोर्ड लगाया गया है, जिसपे साफ तौर पर आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अभी फिलहाल दर्शाया जा रहा है वो बिल्कुल रंजन। और हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे तभी हवा से जहर को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। और क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल बढ़ा है काफी चिंताजनक आंकड़े हो जाते हैं। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के।